तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में थर्ड ग्रेड तबादलों को लेकर और साथ ही बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़े हुए अपडेट्स की। तो इस वीडियो हम बात करेंगे पहले तृतीय श्रेणी अध्यापक के तबादलों को लेकर, जो अपडेट्स आए हैं न्यूज़ आ रही है उसी को लेकर कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और लगभग 84,000 से अधिक शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन भर दिया है और उनके आवेदन की प्रक्रिया भी अब समाप्त हो चुकी है। तो प्रदेश के अंदर थर्ड ग्रेड टीचर्स के शिक्षकों के लिए आवेदन लिए गए थे ट्रांसफ़र के लिए, जिसमें 84,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने तबादलों के लिए आवेदन कर दिया है और राज्य के सभी 33 जिलों में स्थानांतरण के लिए बुधवार को रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा समाप्त हो गई थी। तबादलों के लिए आवेदन करने वालों में एक से दूसरे जिले में जाने के लिए भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तबादलों में सिंगल महिला शिक्षकों के लिए भी अलग से विचार किया जा सकता है। इसके लिए साथ ही सेवानिवृत्त होने में जिनके 2 साल से ऐसे शिक्षकों को भी शहर में जगह मिल सकती है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग टीचर्स का ग्रामीण में ठहराव भी देख रहा है। तो इस प्रकार से पॉलिसी जो तय होगी उसमें सभी नियम कायदे देखे जाएंगे। अब सरकार की ओर से शिक्षा विभाग के तबादला नियमों को हरी झंडी मिलना बाकी है, यानी सरकार जो तबादला नियम तय करेगी, कह सकते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू करेगी, जिसमें कम से कम 3-4 साल मिनिमम सर्विस वालों को जैसे प्राथमिकता मिलेगी, अविवाहित महिलाएँ हैं, विधवा है, परित्यक्ता है, या कुछ 2 साल से साल के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसे शिक्षकों को जो है इसमें मौका दे सकती है तबादलों के नियमों में। इसके साथ ही तबादला नीति को अंतिम मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे अपने स्तर पर। अभी इसकी हरी झंडी जो लास्ट में मिलना बाकी है। शिक्षा विभाग की तरफ से जो है सभी नियम कायदों को देखने के पश्चात जो है मुख्यमंत्री को फाइल सौंपी जाएगी और हाल ही में विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है। तबादलों की लिस्ट तो जिला स्तर पर तैयार होगी लेकिन इसे अंतिम रूप जयपुर से दिया जाएगा। इसके साथ ही दरअसल विधायकों से मिली लिस्ट के आधार पर भी सूची तैयार होनी है, यानी कि डिजायर सिस्टम। तो एक तरफ तो आवेदन तो लिए ही गए हैं, साथ ही विधायकों की जो डिजायर मिलेगी उस लिस्ट के आधार पर तबादला लिस्ट तैयार की जाएगी जयपुर से और फिर जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से तबादले किए जाएंगे। तो तबादलों को लेकर खबर यही है कि 84,000 आवेदन कर दिए गए हैं। और अब एक और दूसरी बड़ी सबसे प्रॉब्लम ये आ रही है कि नवीन जो ऑर्डर आ रखे हैं जिसमें सेटअप परिवर्तन और समायोजन की बातें भी सामने आ रही है, जिसमें शिक्षकों का जो है समायोजन किया जाएगा। और मोस्टली आपको बता दें कि समायोजन अभी 6D की प्रोसेस जो है पूरी 6D नहीं की जा रही है, कह सकते हैं 3B का प्रोसेस शुरू किया गया है, जिसमें GUPS और GSS में लगे कार्मिकों को जो है पदस्थापन व समायोजन किया जाएगा। तो शिक्षकों के मन में संशय भी है कि 6D होगी या नहीं होगी। तो 6D और 3B को लेकर जो निदेशालय बीकानेर द्वारा ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें फिलहाल तो जो है प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कर्मोन्नत हुए थे ऐसे शिक्षक है और साथ ही जो उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में कर्मोन्नत हो गए ऐसे शिक्षकों की अभी 3B या 6D करवाई जाएगी। इसके साथ ही शिक्षकों मन में संशय यह भी है कि शाला दर्पण पर खाली पदों को देकर उन्होंने आवेदन किया था, तो अब उन पदों को काउंसलिंग के जरिए जब भर दिया जाएगा तो क्या होगा। तो ये भी अपडेट आ रही है। तो थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र आवेदन तो समाप्त हो चुके हैं। अब शिक्षकों के लिए समस्या यही है कि पोर्टल पर जिन स्कूलों में खाली पदों को देकर आवेदन कर रहे हैं वहाँ पहले से ही पद अगर काउंसलिंग के माध्यम से भरे हुए भी है, कुछ ऐसे भी दिखा रहे हैं, अब काउंसलिंग से भर भी जाएंगे, यानी भरा हुआ पद भी दिखाया जा रहा है पोर्टल पर, कई तकनीकी की प्रॉब्लम भी है। इसके साथ ही अब जब 6D या ये 3B की काउंसलिंग हुई इससे भी भरे जाएंगे, ये भी दिक्कत है। शिक्षकों को स्वयं के शाला दर्पण ID से लॉगिन करने पर ये समस्या दिख रही है। एक जो सबसे बड़ी बात है कि प्रारंभिक में 6D से खाली किए जाएंगे काउंसलिंग के माध्यम से पद भी खाली किए जाएंगे। इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि माध्यमिक शिक्षा से जितने शिक्षकों को प्रारंभिक में भेजा जाएगा तो उतने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में खाली ही नहीं है। और साथ ही देखा जाए तो विभाग द्वारा 6D काउंसलिंग के माध्यम से 3 या 3 से अधिक साल से प्रारंभिक शिक्षा में कार्य शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में भी पदस्थापन देकर पदों को खाली किया जाएगा। वहीं जो सौरभ स्वामी हैं उनका कहना है कि ट्रांसफर में शिक्षकों ने 5-5 स्कूल तो आवेदन किए हैं, इन्हें 5 स्कूलों में से एक में पदस्थापन दिया जाएगा और 3B वाले शिक्षकों के पद रिक्त पदों की तुलना में कम है। ऐसे में अगर प्रारंभिक मैं जो 3B से पद भर रहे हैं तो 6D के माध्यम से पद खाली भी हो रहे हैं। तो सेटअप परिवर्तन करने की ये प्रक्रिया है, जिसमें अभी फ़िलहाल सभी की 6D नहीं होगी ये कह सकते हैं, क्योंकि 6D केवल अभी जो कह सकते हैं कि प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय हुए हैं वो है, और साथ ही जो उच्च प्राथमिक से माध्यमिक कर्मोन्नत हुए थे ऐसे शिक्षकों की होगी, और साथ ही तृतीय श्रेणी 2018 लेवल के कुछ विषय अंग्रेजी गणित विज्ञान जैसे विषय हैं ऐसे विषय के शिक्षकों की भी जो काउंसलिंग के माध्यम से उनको सेटअप परिवर्तन किया जाएगा। ये एक विभाग की प्रक्रिया होती है और थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लिए जो नियुक्ति होती है प्रारंभिक शिक्षा में दी जाती है, उसके पश्चात लगभग 3 साल का नियम होता है। अब नियम भी हटा दिया गया 6D के लिए, तो 3 साल प्रारंभिक
शिक्षा में पंचायती राज के अधीन होते हैं और 3 साल पूरे होने पर स्वतः उनका सेटअप परिवर्तन किया जाता है, जिन्हें हम 6D काउंसिलिंग कहते हैं, और 6D काउंसिल के माध्यम से उन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पदस्थापन दे दिया जाता है। वहीं बात करें तो 2018 की भर्ती के जो ऐसे शिक्षक हैं 3 साल पूरे नहीं हुए हैं उन्हें भी अब प्रारंभिक में भेजा जा रहा है, तो उनके सितंबर अक्टूबर में 3 साल पूरे होंगे और सेटअप परिवर्तन कर उनको माध्यमिक में फिर जाना पड़ेगा, यानी 1 माह के लिए उन्हें माध्यमिक से प्रारंभिक में जाना पड़ेगा। तो ये तमाम तरह की खबरें थी आप सभी के लिए ज़रूरी अपडेट्स इस वीडियो में। थैंक यू। जैसे ही हमारे पास और भी अपडेट्स आते हैं तबादले को लेकर, ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर, तो हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे, और जिस प्रकार से अपडेट्स आ रहे हैं आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू।